किस कारण से हम समझे कि हमारा मन अब पावन हो गया है, अब हमारा मन निर्मल हो गया है, तो उसके कुछ संकेत हैं। जब हमें लगे कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, हमें जब किसी से ईर्ष्या नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमें किसी को कष्ट देने में आनंद नहीं आता है, बल्कि कोई कष्ट में हो जाए तो हमें पीड़ा होती है। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए, किसी की बढ़ोतरी से हमें जलन ना हो, प्रतिस्पर्धा करना बात अलग है, आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में अंतर है, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में अंतर है। प्रतिस्पर्धा ऐसी कि कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़े, लेकिन प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए कि हम भी आगे बढ़े, ये प्रतिस्पर्धा है। कोई अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है कि आप अच्छा कर रहे हो, उससे प्रेरणा लेके हम भी अच्छा करने का प्रयास करें। अभी तो हमारे मन में ये जलन ना हो कि वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है और उसको हम नीचा दिखाएं या हम उसका विफल करने की कोशिश करें। ये है ईर्ष्या। और प्रतिस्पर्धा क्या है कि कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्रभु हम पे भी कृपा करें, हम भी आगे बढ़े, हम भी प्रयासरत रहें, हम भी प्रयास करें, प्रभु ने उसको इतना दिया, अच्छी बात, प्रभु हम पर भी कृपा करो, हमें भी प्रदान करो। ये नहीं कि उसका समाप्त हो जाए और हमें मिल जाए, ये ईर्ष्या है। जब हमारे अंदर से ईर्ष्या समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, हमारे मन में किसी को पीड़ा देने का भाव ना आए, सब हमें प्यारे लगने लग जाएं, सब में हमारा अपनत्व का भाव आ जाए, समझो हमारा मन निर्मल हो रहा है, हमारा मन पावन हो रहा है। और जब ऐसा हमारा मन हो जाता है तो परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा का वास हमारे हृदय में हो जाता है। अब मन में भाव आ सकता है कि यदि हमारे मन में ईर्ष्या हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, हमारे मन में यदि किसी के प्रति द्वेष हो, तो क्या हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे? हो सकता है कि इनमें से कोई दुर्गुण हमारे अंदर भी व्याप्त हो, तो क्या प्रभु हमसे दूर है, हमें नहीं मिलेंगे? महापुरुष कहते हैं अवश्य मिलेंगे, आओ भागवत जी के शरण में, ये दुर्गुण भी हैं, तो भागवत जी इन दुर्गुणों को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं, आपको शुद्ध बना देती हैं, पावन बना देती हैं और आपको ग्रहण कर लेती, आपको स्वीकार कर लेती। यदि कोई दोष भी है, कोई कमी है, तो जब हम भागवत जी की शरण में श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठते हैं, तो भागवत जी हमारे दोषों को दूर करते हुए, हमें गुणमय बनाते हुए, शुद्ध बनाते हुए स्वीकार कर लेते। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है। और कैसी है, अभी हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मन अभी पावन नहीं है। आप देखिए, पानी गंदा हो, दूषित हो, और चाहो कि आपको अपना मुख देखना हो, प्रतिबिंब देखना हो, तो क्या आप देख सकते हैं? आपकी आंखें में भी धुंधलापन हो और पानी में भी गंदगी हो, दूषित हो, और आप चाहो अपना प्रतिबिंब देखो, तो देख सकते हो? नहीं देख सकते। मन, ये आंखें भी अच्छी होनी चाहिए और जो पानी है वो भी शुद्ध होना चाहिए, तब आपको ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी प्रकार आपकी ये भावना मन की शुद्ध होनी चाहिए और आपका ये मन भी शुद्ध होना चाहिए। आपकी भावना और मन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। और जब आप अपने इस शुद्ध मन, इस शुद्ध भावना से जब अपने शुद्ध हृदय में देखेंगे, तो आपको वो अपना प्रतिबिंब, वो परमात्मा नजर आएंगे। प्रतिबिंब क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी।